गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। दाता खुशियाँ दे, सदा सुखी रखे। गुरुदेव, आज मैं आपसे बात करना चाहूंगी एक ऐसी कहावत के बारे में जो अक्सर हम लोग बहुत टाइम से अपने जीवन में सुनते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन इस शब्द का वाकई क्या मतलब है, ऐसा क्यों बोला जाता है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पूछी तो तुमने, बड़ी कमाल की बात है जी। और ये सच बात है कि आज से अगर 15-20 साल पहले हम जाए जी, तो ज्यादातर गली मोहल्लों में बच्चे बड़े ये शब्द आम बोला करते थे कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। बिल्कुल ठीक है ना। और बचपन से एक तरह का उनके दिमाग में ये भर दिया जाता था कि तीन नंबर बहुत अनलक्की होता है। ठीक है, ये बात सत्य है बेटा जी। सत्य कैसे है? पूर्ण सत्य तो ये भी नहीं है, लेकिन ये सत्य है। इस पूरी दुनिया को, इस कायनात को चलाने वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका इस तरफ ध्यान है, इस साइंस के बारे में ध्यान है, वो एक बात जानते हैं कि पूरी इस जो सृष्टि है या जहां तक इंसान है, उसको तीन नंबर चलाते हैं जी। एक है तीन नंबर, दूसरा है 6 नंबर और तीसरा है 9 नंबर जी। ठीक है, तीन नंबर का मतलब है बातचीत, डिस्कशन, किसी भी चीज के लिए कन्वर्सेशन प्लान, ये सब कुछ तैयार करना जी। तो ये गुण किसका है? ये बृहस्पति का। बृहस्पति और केतु दोनों गुरु चेला है, तो आप केतु को भी साथ ले सकते हैं, बृहस्पति को भी ले सकते जी। 6 नंबर, 6 नंबर है शरीर का जोश, एम्बिशियस होना जी, नई नई चीजों को पाने के लिए तमन्नाएं होना और उसके लिए प्रयास करना, समझ गए, ये होता है 6 नंबर जी। और 9 नंबर बेहद हिम्मत, यानी कि जो तुमने डिस्कशन किया, जो तुमने ज्ञान पाया, जो तुमने प्लान बनाया, जिसके लिए एम्बिशन तुमने क्रिएट किया, उसके लिए पूरी हिम्मत करके, पूरी जान पहचान को बढ़ा के जी, जिंदगी के अंदर कुछ भी क्रिएट करने की हिम्मत रखना, कुछ भी एग्जीक्यूट करने की हिम्मत रखना। तो इसीलिए 3, 6 और 9 ये नंबर एक ऐसे नंबर है जो पूरी दुनिया को चलाते हैं। और जो भी कहते ना कि दुनिया के सिर्फ 20% लोग हैं जो कामयाब है जी, इनकी कुंडलियों के अंदर अगर 3, 6, 9 ठीक है तो ही ये कामयाब है। 80% लोगों की जो जिंदगी के अंदर, उनकी कुंडली के अंदर 3, 6, 9 ठीक नहीं है, क्योंकि 3 नंबर बृहस्पति, 6 नंबर शुक्र और 9 नंबर मंगल, समझे, इन तीनों का अच्छा होना बेहद जरूरी है जी। अब तीन तिगाड़ा कैसे हुआ? अब ये 3 नंबर ज्यादातर, यानी कि ये बृहस्पति ज्यादातर कुंडलियों में खराब होता है जी। ठीक है, जिसके भी बृहस्पति खराब होता है, उसका जैसे ही 3 नंबर के साथ संबंध बनता है, 3 नंबर घर के साथ, 3 नंबर गली के साथ, 3 नंबर का ऑफिस, 3 नंबर की सीट जी, 3 बच्चे, 3 भाई बहन, समझिए, 3 मामे, 3 चाचे, जैसे ये 3 नंबर के साथ संबंध बनता है, जान को पंगा पड़ ही जाता है और कुछ ना कुछ खराब होना ही होता है जी। और इसको त्रिखल भी बोलते हैं। त्रिखल का मतलब क्या है कि अगर 3 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ तो त्रिखल लग जाती है जी, 3 लड़कों के बाद एक लड़की हुई तो भी त्रिखल लग जाती है। और आप देखो उस घर के अंदर खास तौर पे हमेशा ही समृद्धि की दिक्कत बनी ही रहती है। घर के अंदर अनलॉजिकल कन्वर्सेशन चलती ही चलती है, रिश्तेदारों से वो सपोर्ट नहीं मिलती, अपने सगे भाई बहनों से वो सपोर्ट नहीं मिलती जो कि चाहिए होती है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, बजाय जिंदगी के अंदर ऊपर चढ़ने के इंसान की गिरावट होती है। अगर आदमी पहले दुकानदारी करता है तो बुढ़ापे के अंदर 3 व्हीलर चलाता है जी, समझ गए, ये हालात बनाते हैं। बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी के कारण घर के अंदर ऐसे ऐसे क्लेश खड़े होते हैं कि मन मर्जियों पर निकल जाते हैं। और ऐसे लोग जो भी मकान लेते हैं, अगर उसका टोटल जोड़ जोड़ के देखेंगे तो पता चलेगा वो 3 नंबर ही था जी, समझ गए। और जो 3 नंबर के घर में चला गया और उसका अगर बृहस्पति खराब है, वहां जाके इतनी धन की कमी आएगी, इतनी धन की कमी आएगी कि हालत बिगाड़ के रख देता है, समझिए जी। और अकेले बृहस्पति से उस वक्त बचना बेहद जरूरी है, समझे, क्योंकि जीवन आने वाले में अगर हम 2 ग्रह देखें तो एक सूर्य, दूसरा बृहस्पति जी। ठीक है, अब सूर्य तो हर जगह किसी भी सूरत में हो वो तो वैसे ही रहना है, लेकिन ये जो श्वास है जो अंदर की पूरी फैक्ट्री को चलाती है जी, जिसने सारे ग्रहों को साथ में चलाना है, ये जिसकी बिगड़ गई उसके तो ग्रह भी साथ नहीं देते बाकी के, तो वो खाली बुध बन जाता है।
समझे, यानी कि दिमाग से खाली जी और सही समय पे नहीं सोच पाना और नहीं कर पाना। इसीलिए बेटा जन्म कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति खराब है और तुम्हें पता चल गया तो भूल के भी अपने जीवन के अंदर 3 नंबर का प्रवेश मत होने देना, और अगर हो गया तो दिखने बहुत जी समझे। और जिनके यहां 3 लड़कियों के बाद लड़का या 3 लड़कों के बाद लड़की हो और उनके घरों में ये मुसीबतें आ चुकी हो तो उनको फौरन अपने आसपास वाकई में एक अच्छे काबिल आचार्य से बात करके, नॉर्मल किसी भी पंडित जी के पास नहीं, अच्छे किसी आचार्य से बात करके त्रिखल की पूजा अपने घर में करवाना बेहद जरूरी होगा। अगर नहीं, मुझे पता है त्रिखल की पूजा में थोड़ा खर्चा भी होता है जी, ये बात सत्य है बेटा, कैसे भी करके करवा दो, कैसे भी करके। अगर वो नहीं करवाई तो जैसे जैसे उम्र बढ़नी है तुम लाख अपने आप पे कॉन्फिडेंट हो, समृद्धि घटनी है और कहीं ऐसा समय ना आ जाए कि फिर त्रिखल की पूजा के बारे में आप सोच भी ना पाओ, तो इसलिए इसको जरूर करो। नहीं तो बेटा समझदार तो दुनिया है और सारी ही दुनिया है जी, समझे। एक बेटा लकड़ी घिसने वाला, लोहे को टांका लगाने वाला, इवन रिक्शा चलाने वाला भी मोदी जी को सलाह दे देता है जी, समझदार सारी दुनिया इतनी है, लेकिन नसीब इन चीजों से चलता है बिल्कुल, और इसका ध्यान नहीं रखा तो चोट जरूर खा जाओ, खुश है जी गुरुदेव। लेकिन यहाँ पर एक और बात जो हम अक्सर सुनते आते हैं अपने बड़े बुजुर्गों से ही, कोई भी समस्या हमारे जीवन में आती है, छोटे में हो या बड़े में हो, तो बड़े बुजुर्गों का एक ही सवाल होता है और उसका एक ही जवाब होता है, कोई बात नहीं प्रभु सब ठीक कर देंगे, भगवान है सब ठीक कर देंगे, किसी भी समस्या का निदान है मंदिर जाके या पूजा करके ठीक हो जाएगा। क्या वाकई सारे निदान प्रभु ठीक कर देंगे? पुत्र अगर गिनती की जाए जी दुनिया भर में कि कितने गिरजाघर है, कितने मस्जिद है, कितने मंदिर है जी, कितने बौद्ध धर्म के मंदिर है, कितने जैनियों के है, कितने हमारे गुरुद्वारे हैं, ये सारा कुछ, तो बेटा इसकी गिनती इंसानों से 10 गुना ही कम निकलेगी बस, बिल्कुल इतने हैं। हर जगह हमें परमात्मा मिलता है जी, हमारा परमात्मा हमें एक वाणी देता है, एक अच्छे संस्कार देता है जी, वो हमें धैर्य रखने की क्षमता देता है और वाणी के अंदर ये बताया जाता है कि नहीं हम इंसान हैं, इंसान बन के रहे तो वो अच्छा है जी, ठीक है, एक होगी बात ये। हमारे जो भी मंदिर है वो हमें यही देते हैं और वो किसी भी धर्म के मंदिर जी, किसी भी धर्म के। फिर हमारे जो मंदिर है वो समाज को जोड़ने के लिए होते हैं, भाईचारा बनाने के लिए होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आने के लिए होते हैं, इसीलिए हर धर्म का बंदा अपने मंदिर में इकट्ठ कर पाए, बिल्कुल ठीक है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन दुनिया का ज्यादातर हिस्सा भगवान को मानने के बावजूद क्या दुनिया बीमार नहीं होती जी, क्या उनको कमाई की दिक्कत नहीं आती, क्या उनकी पढ़ाई में दिक्कत नहीं आती, क्या उनके घर में क्लेश नहीं होते, क्या नहीं होता, सब कुछ होता है, बिल्कुल समझिए बेटा। परमात्मा सब ठीक करेगा ये एक विश्वास है, और तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे साथ है इस विश्वास के बिना जीना बिल्कुल मुश्किल है, ये बात हमेशा याद रखना जी। तो इसीलिए परमात्मा को मानना, मंदिर को मानना बेहद जरूरी है जी। लेकिन परमात्मा ठीक करेगा ये सिर्फ एक विश्वास है, और समय बदलता है और जब समय बदलेगा तो सब कुछ ठीक भी होता है, ये तो है एक सिंपल सी थिंग जी। लेकिन अगर असली जीवन को ठीक करना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सही मायने में जन्म कुंडली में तुम्हारे कौन सा ग्रह। गुरुदेव बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, दाता खुशियां दे सदा सुखी रखे। गुरुदेव आज मैं आपसे बात करना चाहूंगी एक ऐसी कहावत के बारे में जो अक्सर हम लोग बहुत टाइम से अपने जीवन में सुनते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये हम सुनते तो बहुत हैं लेकिन इस शब्द का वाकई क्या मतलब है, ऐसा क्यों बोला जाता है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पूछी तो तुमने बड़ी कमाल की बात है जी, और ये सच बात है कि आज से अगर 15-20 साल पहले हम जाए जी तो ज्यादातर गली मोहल्लों में बच्चे बड़े ये शब्द आम बोला करते थे कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, बिल्कुल ठीक है ना, और बचपन से एक तरह के उनके दिमाग में ये भर दिया जाता था कि 3 नंबर बहुत अनलक्की होता है, ठीक है, ये बात सत्य है बेटा जी। सत्य कैसे है, पूर्ण सत्य तो ये भी नहीं है लेकिन ये सत्य है,
इस पूरी दुनिया को, इस कायनात को चलाने वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका इस तरफ ध्यान है, इस साइंस के बारे में ध्यान है, वो एक बात जानते हैं कि पूरी इस जो सृष्टि है या जहां तक इंसान है उसको तीन नंबर चलाते हैं जी। एक है तीन नंबर, दूसरा है छह नंबर और तीसरा है नौ नंबर जी। ठीक है, तीन नंबर का मतलब है बातचीत, डिस्कशन, किसी भी चीज के लिए कन्वर्सेशन प्लान, ये सब कुछ तैयार करना जी। तो ये गुण किसका है? ये बृहस्पति का। बृहस्पति और केतु दोनों गुरु चेला है, तो आप केतु को भी साथ ले सकते हैं, बृहस्पति को भी ले सकते जी। छह नंबर, छह नंबर है शरीर का जोश, एम्बिशियस होना जी, नई नई चीजों को पाने के लिए तमन्नाएं होना और उसके लिए प्रयास करना, समझ गए, ये होता है छह नंबर जी। और नौ नंबर बेहद हिम्मत, यानी कि जो तुमने डिस्कशन किया, जो तुमने ज्ञान पाया, जो तुमने प्लान बनाया, जिसके लिए एम्बिशन तुमने